हेलो एवरीवन वेलकम बैक अगेन बेटा तो कहिए कैसे हो आप सब तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 तो आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन आपको जो ये शेड किया हुआ पोर्शन है इनका क्या निकालना है एरिया तो ध्यान से देखना बेटा इसका एरिया निकालना है तो मैं इस पूरे में से ये और ये माइनस कर दो तो यही बच जाएगा अब ये यहां पे एक रेक्टेंगल टाइप में है तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहां पे बेस भी है और हाइट भी है तो ध्यान से देखना क्या बन गया यहां से एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू ठीक है तो एरिया ऑफ एबीसीडी माइनस क्या कर दूं एरिया ऑफ ए एफ ई एरिया ऑफ एफ ई प्लस एरिया ऑफ ई सी बी किसका एरिया ई सी बी ध्यान से देखना अगर मैं इसका एरिया निकालूंगी तो कितना हो जाएगा लेंथ इन टू ब्रेड ठीक है बीच में एक इसका साइन माइनस का इसका एरिया हाफ इं टू बेस इंटू हाइट प्लस सेम हाफ़ इंटू बेस इंटू हाइट यहाँ बेस अलग है यहाँ हाइट अलग है यहाँ बेस अलग है यहाँ हाइट अलग है तो यहां से मेरा क्या बन गया ध्यान से देखना लेंथ लेंथ कितनी दे रखी है बेटा टेन ब्रेथ इज गिवन टू बी एटीन और उसमें से माइनस करना है वन बाई टू इंटू यहां पे बेस कितना है टेन हाइट आपकी कितनी है सिक्स प्लस वन बाई टू इंटू यहां पे बेस एट और हाइट आपकी कितनी है टेन तो टू फाइव टेन ठीक है टू फाइव जेन तो टेन इंटू एटीन वन एटी माइनस फाइव सिक्स प्लस एट फाइवी तो थर्टी प्लस सेवेंटी में सेवेंटी गया वन हंड्रेड टेन मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्लियर तो ये था बेटा आपका फर्स्ट पार्ट अब सेम तरीके से हमने करना है सेकेंड पार्ट तो सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं इस पूरे में से ये ये वाला ये वाला माइनस कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा तो ध्यान से देखो सेम हम करेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ पी टी क्यू प्लस एरिया ऑफ क्यू यू आर प्लस एरिया ऑफ टी एस यू एरिया ऑफ टी एस यू ठीक है आप ध्यान से देखना बेटा ये भी ट्वेंटी ये भी ट्वेंटी ये भी ट्वेंटी ये भी ट्वेंटी तो कैसा एरिया होगा स्क्वायर का यानी कि साइड इनटू साइड ठीक है माइनस एरिया ऑफ पी टी क्यू ये टेन बचा तो ये टेन ये आपका ट्वेंटी ठीक है तो बेस कितना बन गया टेन और हाइट कितनी बन गई ट्वेंटी तो हाफ इंटू बेस वन इंटू एच टू एच वन प्लस बी टू इंटू एच टू प्लस बी थ्री इंटू एच थ्री अब ध्यान से देखना साइड इंटू साइड ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी माइनस किया हाफ ऑफ कौन सी ट्राइंगल इसका बेस कितना है ट्वेंटी हाइट कितनी है टेन तो ट्वेंटी इंटू टेन प्लस हाफ इंटू यहाँ से ट्वेंटी और टेन अगेन ट्वेंटी और टेन ठीक है यहाँ देखो ये भी टेन ये भी टेन तो हाफ इंटू टेन इंटू टेन ठीक है टू फाइव टू टेन सा टू टेन सा टू फाइव सा तो कितना बचा ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर हंड्रेड माइनस टेन की टेन से मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा बेटा वन हंड्रेड प्लस ये भी आपका वन हंड्रेड प्लस यहाँ से फिफ्टी तो कितना बचा टू फिफ्टी तो फोर हंड्रेड में से टू फिफ्टी गया कितना बचा वन फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका शेडेड पोर्शन का एरिया क्लियर नाउ मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और वी कैन से लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर तो वो आपका क्या कह रहा है ध्यान से देखना बेटा इसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रीलेटरल आपको एक क्वाड्रीलेटरल गीवन है उसका आपने क्या निकालना है एरिया ठीक है और वो क्वाड्रिलेटरल कैसे गीवन है देखो बेटा लेट्रल की शेप आपको क्या की मैंने देखो यहां से ये, 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 ये. तो ये बना ए बी सी डी यहां से प्रपेंडिकुलर ड्रॉ किया दिस इज एम ठीक है यहां से प्रपेंडिकुलर ड्रॉ किया दिस इज एन ठीक है ये आपका थ्री सेंटीमीटर ये भी थ्री सेंटीमीटर और जो आपका ए सी ये पूरी लाइन है ये दे रखिए ट्वेंटी टू सेंटीमीटर ठीक है तो हमने निकालना है एरिया तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं जो ये ए बी सी डी है तो क्या लिखोगे एरिया ओफ क्वाड्रीलेटरल ए बी सी डी इक्वल होगा किसके एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी तो एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अलग अलग बेस है अलग अलग हाइट है ठीक है तो ध्यान से देखना बेटा हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है करना चाहते तो आप ऐसे भी कर देते कर देते एक ट्राइंगल का निकाल के उसको टू से मल्टीप्लाई तो यहाँ से क्या बना हाफ इंटू ट्वेंटी टू इंटू थ्री प्लस हाफ इंटू ट्वेंटी टू इंटू थ्री ये इलेवन ये इलेवन तो इलेवन थ्री इज है थर्टी थ्री थर्टी थ्री प्लस थर्टी थ्री सिक्सटी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया एरिया ऑफ दैट क्वाडरी लेट्रल क्लियर तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर टेन एंड इलेवन आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच